आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में 53,000 करोड़ से अधिक की प्रदेश व्यापी 14,375 अधोसंरचना और विकास परियोजनाओं का लोकार्पण तथा भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में चारों तरफ विकास ही विकास दिखाई दे रहा है। हमने भोपाल में 600 करोड़ की लागत से जो ग्लोबल स्किल पार्क बनाया है, उसमें काम सीखने वाले बच्चों को रोजगार के अनेक अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा प्रकाशित सुशासन रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 36,62,000 बहनों को भोपाल से सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की हितग्राहियों और लाडली बहनों के खातों में गैस रिफिल योजना की 219 करोड़ की अनुदान राशि। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं कितना भाग्यशाली भाई हूँ, मेरी 1,32,00,000 बहनें हैं और ये परिवार निरंतर बढ़ता जा रहा है। मेरी बहनों की जिंदगी बने, उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाएं, जिंदगी में कोई कष्ट ना रहे, यही मेरी जिंदगी का मिशन। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज डिंडोरी जिले में मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना के अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्राहक भाई बहनों को चरण पादुकाएं पहनाई तथा साड़ी व पानी की कुप्पी भेंट कर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने डिंडोरी में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता कर आहार अनुदान योजना के अंतर्गत सिंगल के माध्यम से 184,000 जनजाति बहनों को पोषण आहार के लिए 27,60,00,000 की राशि। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने डिंडोरी में घोषणा करते हुए कहा कि जनजाति कार्य विभाग के अंशकालीन रसोईया कर्मचारियों का मानदेय 4,000 होगा, पैसा मोबिलाइजर का मानदेय 6,000 किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के लालघाटी क्षेत्र स्थित गुफा मंदिर में बनने वाले भव्य संत भवन का विधि विधान से पूजा अर्चना कर भूमि पूजन किया। सीएम श्री चौहान ने इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बुधनी में आयोजित विकास पर कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहभागिता की, साथ ही 260 करोड़ 15 लाख की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं 71 करोड़ 28 लाख के कार्यों का लोकार्पण किया।